ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਥਾਨਕ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। इस एक्सीडेंट की सारी घटना उत्थे लगी सीसीटीवी कैमरिया विच कैद हो गई जिस विच कि साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक वालों एक्टिवा सवार व्यक्ति नू फेट मारी गई जिस दौरान कि व्यक्ति सड़क ते डिग गया अते उस तो बाद ट्रक उसके उपर दी लंघ गया जिस दौरान कि व्यक्ति की मौके ते ही मौत हो गई। इस मौके ते मृतक के रिश्तेदारा ने दसिया कि यह साडा रिश्तेदार है जिसकी कि आरती की दुकान है अते यह घर जा रहा सी अणपछाते वाहन ने इसनू फेट मार दिती जिस दौरान कि इन्हां दी मौत हो गई। फिलहाल मृतक के रिश्तेदारा ने दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पता लगे जी अजा दुकान से बैठे थे कहने कोई ट्रक फेट मार गया पता नहीं कोई गड्डी फेट मार गई मैं आके देखिए जी थोड़ा पता थोड़े सामने है सारा कुछ मेरे चाचा जी रही हाँ बाकी साढ़ा घर पटे गया जी मंडीजार की दुकान है जी ट्रक पाया यूनियन च पुराना काम कार कारोबार है जी होम प्रकाश जी ने जी ट्रक ने फिट मारी पता नहीं ट्रक ने उड़े सुने जी कोई कह ना कोई कुछ कहना जी असी तो हूं आए जी बाद सू पता लगे फोन आ गए ने साडे कोले सानू नहीं पता है जी। इस संबंधी घटना की सूचना मिलदिया ही मौके ते पहुंची थाना कोतवाली की पुलिस ने लाश नू कब्जे विच लैके जांच शुरू कर दिती है। ये पड़ताल कर रहे हैं मौके पर आए हैं मौके पर पड़ताल करके पता लगेगा भी की गल है डेड बॉडी जी असी हस्पताल भेजती है उसका अगली कार भी पड़ताल करके पता करेंगे भी एक्सीडेंट होया कादे नाल पता नहीं लगा अजे फिलहाल कोई पता नहीं लगे मौके की मौत हो गई जी ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਪਿਆਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ लाटरी नंबर पाओ प्यार विच धोखा खादे हुए प्रेमी प्रेमिका सौतन दुश्मन नू वस विच करवाउण लई संपर्क करो। पंडित ए के शास्त्री तुसी संपर्क कर सकते हो 9906590490। मैं अपने ए मोढ़ियां ते गोढ़ियां तो बहुत दुखी सी मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता पर जद तो मैनू फिर रिलीफ मिलिया 2-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोडे भी ओके जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इसनों इस्तेमाल करो सिर्फ 2-3 महीने ये 125 बीमारियों तक के इलाज कर सकता है फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कितनी सोसाइटी बैठे कि कोई मजाक ना कर रहा है पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जिदे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।